हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ब्यूटी कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ ब्लू हेवन के काजल रिव्यू कर रही हूं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। काजल ब्लू हेवन एक अच्छा ब्रांड है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको अच्छे प्रोडक्ट देता है। तो ये है सॉफ्ट काजल आईलाइनर, तो आप इस काजल को एज अ लाइनर भी लगा सकते हैं और इसमें आपको यहाँ पर शार्पनर भी मिल रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे इंक्लूडेड है। और ये क्या क्या क्लेम करता है, ये क्लेम करता है ये लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंस कलर, स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ। तो ये सारे टेस्ट हम वीडियो में करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसके बैक साइड में यहाँ पे प्राइस मेंशन है और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है। तो इसकी प्राइस है 125 रुपीज़। ये बहुत ही अफोर्डेबल है और यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, जैसे बाकी काजल की पैकेजिंग होती है वैसे सिमिलर ही इसकी पैकेजिंग है। तो मैं अब इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ब्लू कलर की काजल है। मेरे पास तीनों कलर है पर ब्लू कलर की पैकेजिंग मैंने खोली नहीं थी, तो मैं इसलिए आपके सामने ही इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये सारे कलर मेरे पास है, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। तो मैं आपको पहले ब्लू की दिखा रही हूँ इसकी क्वांटिटी, क्योंकि ये बिल्कुल नई मैंने आपके सामने ओपन की है। तो इसकी क्वांटिटी है 0.31 ग्राम। तो आप देखिए, मैंने पूरा ओपन किया है। अब मैं सारे कलर्स के आपको स्वेचेस भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके पैकेजिंग में मेंशन था शार्पनर, तो शार्पनर कहाँ पे है, तो इसके बैक साइड में शार्पनर दिया है। तो आप देखिए, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं इसको पॉइंटेड करने के लिए। तो मुझे इसकी पैकेजिंग भी अच्छी लगी, ये है ट्रैवल फ्रेंडली। तो अब सभी के स्वेचेस देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू कलर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक ही स्वाइप में इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, ये है रॉयल ब्लू। तो मैंने दो बार इसलिए किया क्योंकि ये कैमरे में अच्छे से दिखेगा। अब मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर तो मैंने बहुत यूज़ कर लिया है, ब्लैक कलर ब्लैक कलर तो सबका फेवरेट ही होता है, तो मैंने इसे बहुत यूज़ किया। ये देखिए, ये है डीप ब्लैक कलर। अब मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। तो ब्लैक और ग्रीन दोनों ही मैंने पहले यूज़ किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ग्रीन कलर भी आप ट्राई कीजिएगा, जब आप अपने आई पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगता है। तो ब्लू मैंने ट्राई नहीं किया है, तो ब्लू मैं ट्राई करूँगी। तो ये देखिए सभी के स्वेचेस, ये बहुत ही इंटेंस कलर है। तो अब बारी आती है टेस्ट की। तो मैं पहले यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे वाटरप्रूफ टेस्ट, जैसे इसमें क्लेम किया था ये वाटरप्रूफ है। तो मैंने यहाँ पे वाटर लिया है और मैं काजल पे लगा रही हूँ वाटर। ये देखिए, हाथ से ऐसे टैप कर रही हूँ वाटर से, तो ये इतनी आसानी से तो नहीं निकल रहा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं और थोड़ा वाटर इस पर लगा रही हूँ और आप देखिए, ये कहीं से भी स्मज नहीं हो रहा, वैसे का वैसे ही है। तो इतनी आसानी से तो ये वाटर से नहीं हटेगा। तो आपको इतने कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस टेस्ट में ये पास होता है, ये वाटरप्रूफ है। तो दूसरा टेस्ट है ये स्मच प्रूफ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने फिंगर से रब कर रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पे ब्लैक कलर स्मच हो रहा है, बट बहुत ही हल्का स्मच हो रहा है। अब मैं थोड़ा प्रेशर से स्मच कर रही हूँ, तो देखिए ये स्मच हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको इतने कम प्राइस में तो आपको स्मच प्रूफ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस काजल की रिव्यू कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।